वीडियो में हम लोग पूरा कराची घूमने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और यही कहानी खत्म नहीं होती, हमारे हाथ में एक मैप, इस मैप में कराची के डिफरेंट फेमस एरियाज लिखे हुए हैं और हमें हर जगह में जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। देयर आर अ फ्यू रूल्स आई हैव टू फॉलो। रूल नंबर वन, हमने अपने जेब से एक रुपए भी खर्च नहीं करने। गाइस ये मैप आप लोग देख सकते हो यार, ये मैप मैंने खुद बनाया घर में बैठ के। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कहीं से मैं मैप बनवा सकूं, लेकिन मुझे कहीं से भी मैप नहीं मिल रहा था, तो भाई मजबूरन इस कागज से मैप बनाना पड़ा। रूल नंबर टू, मैंने ये पूरा मैप कंप्लीट करना है। हमारा पहला टास्क है बोर्ड ऑफिस से मदारे कैद, और बोर्ड ऑफिस से मदारे कैद का बहुत लंबा डिस्टेंस है। हमारे पीछे एक ग्रीन लाइन का स्टॉप, और हमने कोशिश कर रही है किसी से हम लोग कुछ पैसे ले सके ताकि हम लोग इजीली ग्रीन लाइन में सफर कर सके। गाइस देखो, एक वीडियो के लिए किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे किसी रेंडम बंदे से। तुम सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। देखो हमारे पीछे एक भाई खड़े, में कोशिश करते हैं यार इनसे हम लोग कुछ पैसे मांग सके ताकि टिकट वगैरह का जुगाड़ हो सके। अरे भाई 150 में तो हो जाएगा, दे दो यार 150 तक अगर आपके पास है तो। हमारे लिए फर्स्ट जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गए। अरे नहीं नहीं, जजाकल्ला पठानों का दिल वैसे ही बहुत बड़ा होता है। चलो भाई, पहला बंदा तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया था, लेकिन हमें आइडिया नहीं था आगे हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। अबे छोड़ यार, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या रही है। ग्रीन लाइन में 20 मिनट का सफर करने के बाद फाइनली हम मजारे कैद पहुंच गए। टिकट्स भी ले लिए मजारे कैद के। और भाई आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्री में ट्रेवल करने का? यकीन करो मुझे शहरी था, जब तक ज्वाइन हुआ ना मैं, शहरी जो मेहनत करता ना वो मेहनत में नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे अरे मेहनत सब करते हैं यार। फाइनली वी रीच मजारे कैद, लेकिन टास्क कम्प्लीट नहीं हुआ। एंड द लास्ट रूल नंबर 3, हमने जिस जगह पे भी जाना था वहाँ से कोई आइटम कलेक्ट करना था, वो भी बिल्कुल फ्री में। मजारे कैद के अंदर पीछे पॉपकॉर्न की शॉप है, कोशिश करते हैं सिर्फ फ्री पॉपकॉर्न में। भाई अब चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या रही है। भाई अच्छी खासी रिजेक्शन मिलने के बाद हमें एक केबिन मिल चुका है, यहाँ चलते हैं ट्राई करते हैं यहाँ कुछ फ्री का मिल जाए। भाई भाई कहाँ गए, गायब हो गए लग रहा है। भाई आ रहे हैं भाई, भाई पता नहीं कहाँ गायब थे अपना केबिन छोड़ के। सलाम वालेकुम यार, हम एक चैलेंज कर रहे हैं, हमने पूरा कराची ना फ्री में घूमना है, ठीक है, और कुछ चीजें कलेक्ट करनी है फ्री में, आप कुछ दे सकते हैं हमें फ्री में, कुछ भी मिल जाए, कोई बिस्किट कुछ भी चीज फ्री। भाई भाई ने फ्री हमें दे दिया बिस्किट। फाइनली हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। ओके द नेक्स्ट लोकेशन इज सदर, मजारे कैसे सदर तक जाना है। चलो भाई लिफ्ट मांगते हैं, बैठ जाए सदर तक फ्री में। भाई पहली लिफ्ट ही मिल चुकी है, भाई ने जो है ना हमें बोल दिया कि बैठ जाओ। भाई क्या सोच के फ्री में लेके जा रहे हो? सोचने सोच तो। भाई ने हमें यहाँ उतार दिया है, भाई बोल रहे हैं आगे बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलोगे सदर आ जाएगा। थोड़ा पैदल चलते हैं सदर तक जाते हैं, और वहाँ से कोई सिविनियर हमें कलेक्ट करना है फ्री में। यार वीडियोस बड़ी मुश्किल होते हैं गैस, धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो बस। गैस काफी देर से हम पैदल चल रहे हैं और सदर आने ही वाला है, बस ये कंप्यूटर मार्केट है, आगे फिर स्टार सिटी मॉल आएगा, लेकिन हमने सदर मेन मार्केट जाना है। पैदल चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ लिफ्ट मिलेगी नहीं, चलता रोड है बिल्कुल ना, लोग रुक रहे नहीं है। फाइनली सदर में पहुंच चुके हैं, और अब हमारा अगला टास्क ये है कि हमने यहाँ से कुछ चीज कलेक्ट करनी है। कैसे हैं? बेसिकली हम एक वीडियो कर रहे हैं, हमारे को ना पूरा दिन कराची में फ्री में गुजारना है, ठीक है, और हर जगह से ना जैसे हम डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं, हर जगह से कोई चीज फ्री में कलेक्ट करनी है। आप हमें कोई चीज दे सकते हैं फ्री में, कुछ भी हो? मैं इस दुकान में काम करता हूं। अच्छा आप काम करते हैं? हमारे तो हमारे गए हैं। अच्छा कोई नहीं दे सकते? चले चले फ्री भी दे सकता हूँ। थैंक यू, चलते हैं अगली शॉप पे। सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है अंकल, हमें अमरूद कोई चीज दे सकते हैं बट फ्री में? पैसे नहीं हमारे, मतलब चैलेंज कर रहे हैं, हमने फ्री में पूरा दिन गुजारा, दे सकते हैं? क्या खाओ? कुछ भी दे दो, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। अरे अरे अंकल, अंकल ने तो दे दिया यार दिल बड़ा करके। और क्या था? बस 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 यही यही अंकल, जगह चल रहा है यार, अल्लाह आप कैसे खुश रखे। भाई फाइनली सदर से भी हमने कलेक्ट कर लिया है। यार अंकल का दिल आप लोगों ने देखा कितना बड़ा था, अंकल ने हमें फ्री अमरूद दे दिए, और अंकल बोल रहे थे यार वैसे हम 50 रुपए का बेचते हैं लेकिन आपको फ्री दे रहे हैं, ऑफ कैमरा अंकल ने हमें बोला है, लेकिन यार अंकल का दिल बहुत बड़ा था, अंकल के लिए एक लाइक कर दो। ओके गाइस, हमारी नेक्स्ट लोकेशन है नेशनल स्टेडियम सदर से या मिलेनियम मॉल। गाइस जो इन दोनों में से पहले आ गया हम लोग वहाँ पे जो है उतर जाएंगे। फैसल का रोड चल रहा है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकेगी लिफ्ट के लिए, हम थोड़ा पैदल ही चल रहे हैं। अभी हम लोग सदर रेक सेंटर जो है, रेक सेंटर से बाहर निकले हैं, अमरूद वाला वहीं पे थे बाबा जो थे, अल्लाह बाबा को लंबी जिंदगी दे। अब हम लोग आ चुके हैं फैसल पे, वहाँ से निकलने के बाद शराय फैसल वाला रोड है, अब कोशिश करते हैं यहाँ किसी से लिफ्ट लें। ये हमने सीधा जाना है, हमने पूछा, हमें आइडिया नहीं था, हमने पूछा किसी ट्रैफिक वाले से,
उन्होंने बोला ये रोड आप सीधा जाओ, एक रोड आएगा कारसाज का, वहाँ से लेफ्ट जाना मिलेनियम मॉल का जो रोड है वो मिल जाएगा। तो भाई ये देख सकते हैं रोड है हमारा, ये हम अगर सीधा जाएंगे तो फैजाबाद मलिर एयरपोर्ट। यार मतलब रास्ते का भी मुझे आइडिया नहीं, मैं चलता जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रोड ऐसा है ना कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, सब गाड़ियाँ स्पीड में। भाई से पूछ लेते हैं यार, भाई कुछ रास्ते का आइडिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे ठीक है यार? बेसिकली हम एक चैलेंज कर रहे हैं, हमारा आज का चैलेंज है हमने फ्री में ना पूरा कराची घूमना है। और अभी हमने यहाँ से पीछे हम सदर से निकले, ठीक है ये आगे शराय फैसल, और अभी हमने यहाँ से जाना है नेशनल स्टेडियम तक। तो आप मुझे बता सकते हो कि नेशनल स्टेडियम यहाँ से कितना दूर है और पैदल हम जा सकते हैं? एक घंटा या डेढ़ घंटा लगेगा पैदल में, तो एक घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलते ही नहीं, लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, क्या करें भाई? आप भी हमारे साथ पैदल चल रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो गोरैया जा गोरा कब्रिस्तान। अच्छा आप गोरा कब्रिस्तान के पास जा रहे हो, मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी आइडिया नहीं है। खैर भाई थैंक यू यार आपने बताया, देखते हैं यार कोई लिफ्ट का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। भाई अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे रेड बस का, क्योंकि पैदल चल चल के ना टांगे ना टांगों ने जवाब दे दिया है भाई के हमारे साथ, भाई भी आगे तक जाएंगे। और गाइस हमारे पास किराया वराया नहीं है भाई, संभाल लोगे ना अगर कुछ हुआ तो? मैं भी ऐसे चलूंगा, ऐसे ही चलेंगे भाई, संभाल लेना। देखो टिकट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, मैंने हाथ दिया तीन चार को लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा, गाड़ियाँ बहुत स्पीड में क्योंकि शराय फैसल का रोड है ना, तो हम लोग जाते हैं। तो भाई रेड बस के अंदर तो आ चुके हैं लेकिन पता नहीं वो भाई कहाँ गए, डर भी लग रहा है, चीप चीप तो टिकट वाला अगर आ गया तो गए हम खत्म। तो गाइस हमें रेड बस वाले में उतार रहे हैं, वहाँ पे रेड बस में एक सीन हो गया था, टिकट लेने भाई आ गए थे लेकिन वो जो हमारे साथ भाई थे ना उन्होंने संभाल लिया था, मैंने टिकट अपने जेब से दे दी। उन्होंने बोला भाई ये लोग एक चैलेंज कर रहे हैं फ्री में, फिर उन्होंने बोला यार इनका मैं टिकट भी कम लूंगा, उन्होंने टिकट वगैरह ले लिया लेकिन कम लिया भाई। अब यहाँ से हमारे को ना सीधा अगर आप जाओगे तो 15-20 मिनट आप लोग जो है ना चल के जाओ, 15-20 मिनट चलना पड़ेगा, वन वे रोड है, कोशिश करते हैं उस रोड पे जाते हैं और लिफ्ट लेते हैं। रुकिए रुकिए भाई रुकिए, आ जाओ यार। भाई लिफ्ट देने के लिए तो रुक गए थे लेकिन भाई ने जब देखा कि वीडियो बन रही है, भाई ने बोला वीडियो क्यों बना रहे हो, जाओ नहीं दे रहा लिफ्ट। यार यहाँ से कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं रुक रहा है, एक भाई रुके थे बस और कोई नहीं रुक रहा, मैंने बहुत कोशिश की लिफ्ट लेने की, भाई मेरे साथ खार हो रहे हैं कैमरामैन दोबारा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, एक बार बोलो ये भाई जो ना शेरी भाई सही है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो चीज आप लोग देख रहे होते हैं ये रियलिटी करती है भाई, सब हो रहा है रियलिटी में, ठीक है सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूं, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार। वो आगे पुल है ठीक है, पुल के ऊपर हमने चढ़ना है, पुल से नीचे उतरेंगे स्टेडियम आ जाएगा। फाइनली इतना तो हो गया, इतना चल लिया हम लोगों ने कि यार पुल नजर आ गया, अब पुल चढ़ना है पुल उतरना है, अब भले कोई लिफ्ट ना दे चले जाएंगे यार। यार ये कोई म्यूजियम आ गया है आई थिंक, ये कौन सा पीएस म्यूजियम है ना, म्यूजियम आ गया लेकिन अभी तक हमारा पुल जो है ना हम पुल पे ही है, पुल उतरेंगे भाई। भाई से हमने पूछा भाई बोल रहे 10 मिनट और चलोगे भाई पुल के बाद भी, यानी कि हालत टायर्ड हो गई है। कैमरा मैन तो बिल्कुल ही ना बोल रहे कहीं से पानी पिला दो या कुछ कर दो, लेकिन यहाँ कोई शॉप नहीं है पानी वानी की, कुछ भी नहीं है, बस पैदल चलते जा रहे हैं। गाइस ये ना स्ट्रगल टाइम है लेकिन एक ना एक दिन ये वीडियो तुम लोग सेव करके रख लो, एक ना एक दिन इंशाल्लाह मेरा भी नाम होगा इंशाल्लाह, और आप लोग सब ना एडिट्स बनाओगे, ये वीडियो सेव करके रख लो एडिट्स के लिए काम आएगी। गाइस फाइनली वी रीच कराची नेशनल स्टेडियम, गाइस हमारे सेट पे नेशनल स्टेडियम है और पीछे तला भाई, यार तला भाई के आगे कोई बोल सकते है क्या? और गाइस अभी यहाँ से हम लोग कोई चीज कलेक्ट करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा ना यहाँ पे कोई शॉप है ना कुछ है आसपास, हमने जाना होगा स्टेडियम थोड़ा इस तरफ आगे, मेडिकल वगैरह शॉप्स वगैरह जनरल स्टोर वगैरह है तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या चीज कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देता भी है फ्री की चीज है नहीं। हमारी आज की वीडियो का चैलेंज है, हमने पूरा कराची ना फ्री में ट्रेवलिंग करनी है, फेमस एरिया में जाके ना कोई चीज कलेक्ट करनी है, आप में कोई चीज फ्री में दे सकते हैं कोई भी हो, सोच रहे हो भाई? भाई थैंक यू सो मच भाई, हमें ये मिल चुका है यहाँ से स्टेडियम से, अब यहाँ से मिलेनियम जाना है। गैस हम लोग बोर्ड ऑफिस से मजारा कैद से सदर गए, सदर से भी नेशनल स्टेडियम पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमारी लास्ट लोकेशन है मिलेनियम मॉल, वहाँ जाना है, वहाँ जाके अपने वीडियो एंड करनी है। अब तो मैं लिफ्ट लेके जाऊंगा क्योंकि पैदल चलने की सलाहियत खत्म हो चुकी है मेरे अंदर। कुछ देर पैदल चलने के बाद फाइनली हमें आज की इस वीडियो की लास्ट राइड भी मिल गई। फाइनली भाई अपनी आखिरी लोकेशन मिलेनियम मॉल पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें कोई चीज कलेक्ट करनी है, चलो भाई क्या लगता है कोई देगा हमें कोई चीज? मुश्किल तो लग रहा है कि करना ही, चैलेंज तो पूरा करना ही है, हर जगह से कलेक्ट पूरा कर लेता, ये तो पूरा करना आखिरी, हर जगह से कोई ना कोई चीज हमने कलेक्ट की। भाई मेरे बैग में पड़ी होंगी चीजें, सफर में दिखाता हूँ, ये आ गया बिस्किट, हमने अपनी कायदे आजम के मजार से कलेक्ट किया था, पकड़ो ठीक है। सेकंड हमारे पास ये आ गई बबल गम, ये भी हमने पीछे स्टेडियम से कलेक्ट की थी, और तीसरी चीज भाई थी हमारी अमरूद, हमने खा लिए थे, अब आखिरी जो है ना चौथी चीज हमने कलेक्ट करनी है। सलाम अलैकुम खान भाई, कैसे ठीक है? यार खान भाई हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारी आज की वीडियो का चैलेंज है, हम
हमने ना पूरा कराची फ्री ट्रेवलिंग भी करनी है और हर जगह से ना हम लोगों ने फ्री कोई चीज लेनी है। आप हमें थोड़े से चिप दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते यार भाई, गले मिलो। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं यार। फाइनली हमारा टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा मैप कंप्लीट हो जाएगा। खान भाई कुछ भी चीज आप अपने दिल से थोड़ी सी दे दो। ले ले फ्री वाला। फ्री वाला भाई कितने ज्यादा है यार चिप्स फ्री के, कैमरामैन खाओगे? ओके गाइस, आज का हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है। हमने पूरा मैप भाई यहाँ से बोर्ड ऑफिस से शुरू किया था, मदारे कायद सदर नेशनल स्टेडियम मिलेनियम मॉल एंड पे द एंड। तो भाई यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की भाई, जूतों से अंदाजा लगा लो कितने गंदे होने, कितना हम लोग पैदल चले, धो के लाया था मैं घर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।